सो हेलो गेमर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कार गेमिंग एंड टिप्स में। तो गाइस, आज इस वीडियो में आपको एक ऐसे करेक्टर के बारे में बताने वाला हूँ जिसके हेल्प से आप किसी भी एसएमजी वाली गन को बाकी करेक्टर के मुकाबले बहुत ही जल्दी रिलोड कर पाओगे। और गाइस, अगर आप इस करेक्टर को लेकर खेलोगे तो आपकी गन काफी जल्दी रिलोड हो जाएगी, जिसके हेल्प से आप एनिमी को बहुत जल्दी मार दोगे और एनिमी की गन रिलोड होती रहेगी। हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ निकिता करेक्टर के बारे में, जिसके पास दो दो एबिलिटी है और ओबी 37 अपडेट के बाद उनमें से एक एबिलिटी को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया है। तो गाइस, आज इस वीडियो में आपको निकिता करेक्टर के बारे में फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि इसकी एबिलिटी क्या है और कैसे वर्क करती है, और ओबी 37 अपडेट के बाद इसकी एबिलिटी में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये एक पैसिव कैरेक्टर है और इसकी एबिलिटी यह है कि जब भी हम इस कैरेक्टर को लेकर खेलेंगे तो ये किसी भी एसएमजी वाली गन को 20% जल्दी रिलोड कर देगी। और गाइस, इसकी दूसरी एबिलिटी यह है कि जब भी हम इस कैरेक्टर को लेकर खेलेंगे और हमारे पास कोई भी एसएमजी वाली गन हुई तो ये उस गन की लास्ट 15 गोलियों का डैमेज 30% इंक्रीज कर देगी। मुझे पता है गाइस, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, तो चलो गाइस, मैं आपको इसकी एबिलिटी को यूज करके भी दिखा देता हूँ, जिससे आपको इसकी एबिलिटी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, एक साइड स्काइलर कैरेक्टर है और दूसरी साइड निकिता कैरेक्टर, और जैसे ही मैं एसएमजी वाली गन रिलोड करता हूँ तो निकिता कैरेक्टर स्काइलर कैरेक्टर से जल्दी गन रिलोड कर देती है। तो गाइस, ये तो थी इसकी फर्स्ट एबिलिटी। अब मैं आपको इसकी दूसरी एबिलिटी को यूज करके दिखा देता हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, अभी मेरे पास बस लास्ट की 15 गोलियां बची हुई है और जैसे ही मैं इसको डैमेज देता हूँ तो स्काइलर से बस 27-27 का डैमेज पड़ रहा है और दूसरी साइड निकिता कैरेक्टर से लास्ट 15 गोलियों में 33-33 का डैमेज पड़ रहा है, मतलब स्काइलर से 6 डैमेज ज्यादा। तो गाइस, ये लास्ट की 15 गोलियों में 30% डैमेज बढ़ा देती है। तो गाइस, ये तो थी निकिता कैरेक्टर की एबिलिटी, जिसमें किसी भी एसएमजी वाली गन को बाकी कैरेक्टर के मुकाबले 20% जल्दी रिलोड कर देती है, और साथ ही साथ ये किसी भी एसएमजी वाली गन की लास्ट 15 गोलियों का डैमेज 30% इंक्रीज कर देती है। तो गाइस, ये तो थी इसकी एबिलिटी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ओबी 37 अपडेट के बाद इसकी एबिलिटी में क्या चेंजेस हुए हैं। तो गाइस, इसकी एबिलिटी में दो चेंजेस हुए हैं। पहला चेंज यह है कि ओबी 37 अपडेट से पहले ये किसी भी एसएमजी वाली गन को 24% जल्दी रिलोड कर सकती थी, और ओबी 37 अपडेट के बाद ये 20% जल्दी गन रिलोड कर सकती है, मतलब 4% रिलोड स्पीड स्लो कर दी है। गाइस, इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आप इसका यूज अभी भी अच्छे से कर सकते हो। और गाइस, इसकी एबिलिटी में दूसरा चेंज यह हुआ है कि ओबी 37 अपडेट से पहले जब भी हम इस कैरेक्टर को लेकर खेलते थे तो ये किसी भी एसएमजी वाली गन की लास्ट 10 गोलियों का डैमेज 20% तक बढ़ा देती थी, पर ओबी 37 अपडेट के बाद ये किसी भी एसएमजी वाली गन की लास्ट 15 गोलियों का डैमेज 30% तक बढ़ा देती है। मतलब पहले लास्ट की 10 गोलियों का डैमेज 20% बढ़ा देती थी, अब लास्ट की 15 गोलियों का डैमेज 30% तक बढ़ा देती है। तो गाइस, मुझे तो इस कैरेक्टर की एबिलिटी ओबी 37 अपडेट के बाद बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगी। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इसकी एबिलिटी कैसे लगी और आप इसका यूज करोगे कि नहीं। सो आई होप गाइस, आपको इसकी एबिलिटी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना।